तो अभी हम लोग एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसमें लिख लें, इट इज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ एन सिस्टम। अमाउंट की जगह आप मास भी लिख लीजिएगा। ऐसा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट मास पर डिपेंड करता हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बोला जाता है मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ऐसा थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड करता है उसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जांपल ध्यान रखिएगा, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी और मैं कुछ एग्जांपल लिख दूं, जैसे आपका इंटरनल एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा, इंटरनल एनर्जी को यू और ई से डिनोट करते हैं। इंथाल्पी को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद लिखिए इंट्रोपी को एस से डिनोट किया जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको जी से डिनोट किया जाता है। और भी बहुत सारा, जैसे मैं अगर बात करूं रेजिस्टेंस, एग्जांपल और लिख सकते हैं जैसे फोर्स। तो ये सब कुछ ऐसे थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी हैं जो कि मास ऑफ द, ये सब क्या होता है धीरे धीरे आप समझ जाओगे। इंटरनल एनर्जी, इंथाल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है, हीट कैपेसिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब जो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है ये मास पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव मीन्स मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ये सब मास पर डिपेंड करते हैं। दूसरा तरह का प्रॉपर्टी जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का देखो इसी टर्म में ही आ रहा है क्या, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट टर्म को याद कीजिएगा, तो ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें लिख लीजिए, इट इज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, और ब्रैकेट में मास लिख लेना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका भी एग्जांपल ध्यान रखिएगा, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशंस, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यहाँ पर ये देर, मोलर हीट कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से डिनोट करते हैं। फिर और लिख लीजिए, मोलर हीट कैपेसिटी को सीएम से डिनोट करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर वॉल्यूम। ये सब जो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज दिख रहा है आपको, ये सब कैसे हैं, ये सब आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मीन्स मास पर ये डिपेंड नहीं करते हैं। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बाद आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद लिखिए स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस, देखो इसको समझने की कोशिश करें, फिर मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा। मान लीजिए ये स्टेट वन है, ये स्टेट ए है, और ये क्या है, स्टेट बी। स्टेट ए से स्टेट बी जाने का तीन रास्ता है आपके पास, एक ऐसे चल गए, ये एक रास्ता, दूसरा रास्ता ऐसे है, और तीसरा रास्ता इस तरीका से ऐसे है। अगर मैं फिजिक्स के टर्म्स में बात करूं तो आप मुझे बताएं कि डिस्प्लेसमेंट इन तीनों में से डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा होगा, या सबके लिए सेम होगा, क्या बोलेंगे बताओ। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए, तीनों के लिए सेम होगा, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो तीनों जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, तीनों का जो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो तीनों के लिए क्या ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल आल्सो रिमेन सेम। तो आप ये समझिएगा डिस्प्लेसमेंट इज एन स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन से इसको कुछ कंपेयर कीजिएगा। मतलब स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन जो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, which depend upon the state of a system, कौन सा रास्ता से उसको फॉलो किया गया है, कौन सा प्रोसेस से उसको फॉलो किया गया है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ओके, अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस तो डिस्टेंस देखा जाए तो आप यहां पर देखकर बोल सकते हो 3, 2 और 1। तो
आपको पता है कि डिस्टेंस ये डिपेंड अपॉन द पाथ, आप कौन सा रास्ता से गए हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस का थोड़ा आइडिया मिल गया आपको। अब यहाँ पर आप लिख लें स्टेट फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। स्टेट फंक्शंस को लिखें, फंक्शंस विच डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ एन सिस्टम, स्टेट ऑफ एन सिस्टम विच डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ एन सिस्टम दैट इज ऑन इनिशियल एंड फाइनल, दैट इज ऑन इनिशियल एंड फाइनल। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, कुछ स्टेट फंक्शंस का एग्जाम्पल लिखा देता हूं। जैसे ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, इंटरनल एनर्जी, इंथाल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट फंक्शंस। मतलब ये सब जो थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज हैं ये ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। कौन सा रास्ता से फॉलो किया गया है, कौन सा प्रोसेस से फॉलो किया गया है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पाथ फंक्शंस के ऊपर। पाथ फंक्शंस तो पाथ फंक्शंस क्या होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं विच डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड विच डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया गया। ये जो पाथ फंक्शंस है दैट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए कौन सा प्रोसेस, कौन सा पाथ फॉलो किया गया, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये पाथ फंक्शंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, स्टेट फंक्शंस क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर ध्यान रखना है इसका एग्जाम्पल ये हीट जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, हीट एंड वर्क को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शंस, ये दोनों क्या है पाथ फंक्शन। इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों के अलावा जितने भी थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज दिखाई दे रहा है आपको दे ऑल आर स्टेट फंक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टेट फंक्शंस क्या होता है, पाथ फंक्शंस क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टेट फंक्शंस पाथ फंक्शंस के बाद यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर इफ ए इज एन स्टेट फंक्शन, अगर ए कोई एक स्टेट फंक्शंस है और बी इज एन पाथ फंक्शंस, अगर हम किसी स्टेट फंक्शंस का इंटीग्रेशंस किए, अगर हम किसी स्टेट फंक्शंस का इंटीग्रेशंस करेंगे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा, चेंज इन स्टेट फंक्शन आएगा। मतलब क्या, डेल्टा ए आएगा। डेल्टा इज व्हाट, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल आएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, आपको पता है अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालूं, अगर इसका इंटीग्रेशंस करूं U1 से U2 तक, तो ये हमेशा क्या देने वाला है, डेल्टा U देने वाला है। मतलब U फाइनल
माइनस यू इनिशियल। इसी तरह अगर मैं इंथाल्पी का इंटीग्रेशन करूं एच वन से एच टू तक, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक इसका इंटीग्रेशन करूं, तो इट विल ऑलवेज गिव चेंज इन इंथाल्पी, दैट इज एच टू माइनस एच वन। तो किसी भी स्टेट फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने पर इट विल ऑलवेज गिव चेंज इन स्टेट फंक्शंस, बट अगर किसी पाथ फंक्शंस का इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या देगा, इट विल गिव द ओवरऑल वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शंस, इट विल गिव द ओवरऑल वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शंस। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए अगर मैं डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करूं तो ये क्या देगा, ये हमेशा डब्ल्यू देगा, ओवरऑल वर्क देगा, ओवरऑल वर्क। अगर इसी तरह डी क्यू का इंटीग्रेशन करूं तो ये क्यू देगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर। कितना हीट ट्रांसफर हुआ ओवरऑल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टेट फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, दैट इज चेंज इन स्टेट फंक्शंस आता है। अगर मैं पाथ फंक्शंस का इंटीग्रेशन करूं तो इट विल गिव द ओवरऑल वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टेट फंक्शंस क्या था पाथ फंक्शंस ओवर होने के बाद, आगे लिखिए हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, हीट कैपेसिटी, तो इसको लिख ले, पहले डिफाइन कर ले, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। क्या बोलना चाह रहा हूं समझे इसको, किसी भी सब्सटेंस, ये मान लो कि कोई सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो भी आप हीट सप्लाई करोगे दैट विल कॉल्ड व्हाट, उसको हम लोग हीट कैपेसिटी बुलाते हैं, हीट कैपेसिटी। तो ये क्या होता है, आपको समझ में आ गया, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। यहां पर इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू यहां पर बता रहा है, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए तो डी टी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको डी क्यू अपॉन डी टी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर देखें, यहां लिख सकता हूं डी क्यू इज इक्वल टू सी डी टी, अगर दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर दूं, आपको मैं अभी बता चुका हूं किसी भी पाथ फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या ओवरऑल वैल्यू देता है। अगर मान लीजिए कि ये जो हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, और डीटी का तो इंटीग्रेशन अभी थोड़ा देर पहले ही बताया गया है, किसी भी स्टेट फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमेशा डेल्टा आता है, तो क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी आ जाएगा। मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी टी टू माइनस टी वन। तो ये ध्यान रखना है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू टी टू माइनस टी वन। अब ये बताएं व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट इसका ध्यान रखिएगा आप,
देखिए हम लोग जानते हैं हीट का यूनिट क्या, या तो जूल कैलोरी यही सब होगा, तो यहाँ पर ये सी का यूनिट क्या होगा, ये डेल्टा टी का यूनिट जानते हैं केल्विन होगा, तो क्यू का यूनिट हम जूल पर केल्विन रखेंगे तभी केल्विन और केल्विन कैंसल्स हो जाएगा और ओवरऑल यूनिट ये क्या देगा, जूल। तो इसका यूनिट ध्यान रखना है जूल पर केल्विन होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग एस से डिनोट किया करते हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आप हीट सप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी सीटी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, और चाहो तो आप दूसरे तरीका से भी डिफाइन कर सकते हो, यही पूरा सेम डेफिनेशन लिखना है, ऑफ एन, यहां पर थोड़ा ऑफ एन 1 ग्राम सब्सटेंस, ये वहां पर ऐड कर देना, 1 ग्राम सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस को हीट करने के लिए, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी आप हीट सप्लाई करोगे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर सब्सटेंस का, यहाँ पर ओनली सब्सटेंस बोल रहे थे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी आप हीट सप्लाई करोगे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये आप लिख लिए होंगे, यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और यहां पर हम लिख सकते हैं ना पर यूनिट मास है, ये इतना तो हुआ आपका हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू एस एम एस डेल डी टी, और अगर दोनों साइड इंटीग्रेट किया कर दिया जाए तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एस डेल्टा टी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहे तो टोटल हीट एक्सचेंज कैसे निकालोगे, एम एस डेल्टा टी करके। और यहां पर ध्यान रखना है इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट, तो यूनिट अभी जो होगा दैट वन इज जूल पर केजी केल्विन, अगर ये यूनिट रखेंगे तभी तो मास का यूनिट केजी हो जाएगा, केजी और केजी कैंसल्स हो जाएगा, और ये केल्विन और केल्विन कैंसल्स हो जाएगा, तभी ओवरऑल ये जूल जनरेट होगा। तो इसका यूनिट ध्यान रखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर उसके बाद आता है जो थर्ड चीज आपको समझना है, दैट वन इज मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी इसको हम सीएम से डिनोट करते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर 1 मोल सब्सटेंस को हीट करना है, तो यहां पर लिख सकते हैं सिंपली, एक लिख सकता हूं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल्स, पर यूनिट मोल्स 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट सप्लाई करोगे आप, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। आप लिख सकते हैं वहां पर हीट सप्लाई टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और यहां पर मोल पर मोल, या डी क्यू इज इक्वल टू सी एम इंटू एन डी टी, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया जाए तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन सी एम डेल्टा टी। तो ये तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी दिया रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे एन सी एम डेल्टा टी, अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहेगा तो एम एस डेल्टा टी, अगर आपको हीट कैपेसिटी दिया रहेगा
तो ओनली सी डेल्टा टी यूज करोगे टोटल हीट एक्सचेंज निकालने के लिए। ओके, और अगर इसका यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट क्या होगा बताओ, जूल पर मोल केल्विन, इसका यूनिट हो जाएगा। उसके बाद ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये जो सीएम है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम सीवी से डिनोट किया करते हैं, और दूसरा है दैट वन इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको सीपी से डिनोट किया जाता है। ओके, तो ये लिख लिए होंगे। उसके बाद देखें, अगर आपको हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है, तो दैट विल ऑलवेज इक्वल टू, ध्यान रखना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट विल ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन सी वी डेल्टा टी। अभी फॉर्मूला बताया था एन सी एम डेल्टा टी, बट यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर कैलकुलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर सी वी यूज करेंगे, सी एम नहीं सी वी यूज किया करेंगे। इसी तरह यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पर निकालोगे, दैट विल ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही सेम फॉर्मूला है, एन यहाँ पर सीपी आ जाएगा और ये डेल्टा टी। तो ये ध्यान रखना है कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर दैट विल ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी एंड हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम that is always equal to change in internal energy and that is equal to ncv delta t। okay, yahan par kuch formula dhyan rakhna hai, jaise agar cp nikalna chahte ho, cp is equal to cv plus r hota hai। dusra cheez, agar aapko gamma nikalna hai, gamma is cp upon cv। teesra cheez, agar aap cv nikalte ho, that is r upon गामा माइनस वन। चौथा फॉर्मूला ध्यान रखना है, सीपी इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ आर अपॉन गामा माइनस वन। ये चार फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जैसे आते हैं कुछ, जैसे मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक के लिए आपको सीपी और सीवी का वैल्यू याद करना पड़ेगा, उसको लिख लीजिए आप। चलो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं गैसेस, इधर लिखेंगे हम इसका सीवी का वैल्यू, इधर लिखेंगे सीपी का वैल्यू, इधर लिखेंगे इसका गामा। यहां पर लिख ले मोनो एटॉमिक गैस, जैसे इसका एग्जाम्पल हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। सो इसके लिए सीवी का वैल्यू ध्यान रखना है, सीवी इज इक्वल टू थ्री आर अपॉन टू, और इसका सीपी का वैल्यू होता है 5R/2, और इसका गामा का वैल्यू 5/3। इसी तरह डायटॉमिक गैस के लिए जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दूं, O2, N2, सो
डायटोमिक के लिए इसका जो सी वी का वैल्यू आता है 5R/2, और ये 7R/2, और ये 7/5। इसी तरह ट्राइटोमिक के लिए ध्यान रखिएगा, ट्राइटोमिक जैसे आपका O3 CO2 इसके लिए आप ध्यान रखिएगा इसका जो वैल्यू होता है 3R होता है और ये 4R, और गामा का वैल्यू 4/3। इसमें आर क्या है? आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू आप जानते हो, तीनों टर्म्स में बता चुका हूँ। जूल के टर्म्स में 8.314, कैलोरी के टर्म्स में 2, और एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन के टर्म्स में 0.0821। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हीट पर चर्चा कर लेते हैं। हीट क्यू, तो ये क्या है? हीट एंड वर्क आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो ये पहले लिख लीजिए, ये क्या है? इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ट्रांसफर। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है, हीट जब भी फ्लो होगा, वेन एवर देयर विल बी एनी टेम्परेचर डिफरेंस, ये हीट फ्लो होगा, तो इट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब ये हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। तीसरा चीज ये ध्यान रखना है, तीसरा चीज मैं साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है? अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसे क्या होगा, इस सिस्टम का हीट कंटेंट बढ़ेगा, तो केमिस्ट्री में इसको क्या पॉजिटिव माना जा रहा है। अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव, उसका साइन कन्वेंशन क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। अगर कोई सिस्टम हीट रिलीज करता है तो उससे क्या होता है, इसका हीट कंटेंट घटता है, और केमिस्ट्री में इसको क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, दैट वन इज पॉजिटिव, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, इसको क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि उससे सिस्टम का हीट कंटेंट एनर्जी लेवल बढ़ता है, और हीट रिलीज बाय द सिस्टम दैट इज निगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। फिर आगे थोड़ा वर्क की बात कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसका पहले साइन कन्वेंशन लिखा देता हूं। तो यहां पर केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग हो जाता है। केमिस्ट्री में जैसे मैं बात करूं, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट फिजिक्स में यहाँ पर निगेटिव हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, वर्क डन
done on the system, on the system, that is positive. ऐसा माना जाता है अगर हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो क्या होगा, इससे सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, उसके लिए पॉजिटिव माना जाता है केमिस्ट्री में। और दूसरा चीज, अगर कोई सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, इसको नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि अगर कोई सिस्टम काम करेगा उससे उसका एनर्जी कंटेंट या क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव। उसके बाद मैं बात करूं, ये जो वर्क होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग पीवी वर्क, और इसको, इसका एक और नाम है, इसको मैकेनिकल वर्क बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क। और एक होता है नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क। तो पीवी वर्क किसको बोलते हैं, अगर किसी प्रेशर के अगेंस्ट काम करोगे तो देर विल बी चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज होगा, बट यहाँ पर अगर किसी प्रेशर के अगेंस्ट काम करोगे तो देर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड नॉन पीवी वर्क। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे जो भी आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, ये सब सब क्या है, ये सब आपका नॉन पीवी वर्क है। जैसे पीवी वर्क का कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, पिस्टन सिलेंडर वर्क, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर वर्क, इस चैप्टर्स में हम पीवी वर्क की बात करेंगे, मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे। पीवी वर्क की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है आपको क्या, अगर ये देखिए एक पिस्टन और सिलेंडर है, ये पिस्टन सिलेंडर है, अगर इसका एक्सपांशन हो रहा है, ये एक्सपांशन हो रहा है कुछ ऐसे समझ सकते हो, यहां पर ये पिस्टन है जो मूव कर कर यहां आ गया है, तो ये सिस्टम ने कितना काम किया, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज इक्वल टू, आप जानते भी होंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ये पी एक्सटर्नल क्या है, ये पी एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, मतलब ये जो वर्क हो रहा है, ये जो पिस्टन वर्क कर रहा है, पिस्टन सिलेंडर, ये जो सिस्टम है जो वर्क कर रहा है, किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। और ये जो प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, दैट दिस वन इज पी गैस, ये जो गैस इसके अंदर कुछ रखा हुआ है वही तो काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज, ये जनरल फॉर्मूला है, हर एक जगह यूज होगा, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब यहां पर देखिए, अगर मैं मान लू कि पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, अगर इफ पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, तो उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लेकर चले आ सकते हो, और फिर क्या, वर्क डन का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट वन इज माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन आ जाएगा। यहां पर दो केसेस बनाता हूं, देखिए अगर आपका V2 का वैल्यू अगर V1 से ज्यादा हो, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपांशन हो रहा हो, जैसे यहां पर देख रहे हो ये पिस्टन इधर से इधर मूव करेगा, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम जो होगा ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम। तो इस केस में क्या होगा, एक्सपांशन के केस में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसलिए मैं लिखा V2 जो फाइनल वॉल्यूम है दैट वन इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम।
तो इस केस में क्या होगा, ये जो वैल्यू आने वाला, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, बट वर्क डन का जो वैल्यू आएगा, वर्क डन का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम नेगेटिव। यहां पर एक माइनस साइन है ना, इस माइनस साइन के कारण क्या होगा, ये वर्क डन नेगेटिव आएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा ये जो एक्सपांशन वर्क है, एक्सपांशन वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। इसी तरह अगर कंप्रेशन हो तो कंप्रेशन में जो फाइनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। अगर कंप्रेशन हो, पिस्टन अंदर की तरफ मूव कर जाए, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा दैट विल बी लेस देन द इनिशियल वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे, कंप्रेशन। तो इस केस में जो वर्क डन का वैल्यू आएगा, देखो ये वैल्यू निगेटिव आ गया और एक निगेटिव पहले से है, निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है ये जो कंप्रेशन वर्क होता है, कंप्रेशन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव, कंप्रेशन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज ध्यान रखना है आपको। एक्सपांशन वर्क इज ऑलवेज निगेटिव, कंप्रेशन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां तक आपने सीख गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा। उसके बाद लिखिए यूनिट ऑफ एनर्जी, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट वन इज जूल होता है, और अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो ईआरजी होता है। यहां पर देखो ज्यादातर एक कन्वर्जन यूज होगा, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू, ध्यान रखना है, 101.3 जूल। ये कन्वर्जन बार बार यूज होगा, आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा 1 बार लीटर दैट वन इज इक्वल टू 100 जूल, ये दूसरा कन्वर्जन बार बार यूज होगा। तो इन दोनों को याद रखना है, बार बार यूज होगा इस चैप्टर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लिखिए आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये क्या कहता है, पहले इसको समझे। अगर कोई दो सिस्टम जैसे ये मान लो कि सिस्टम बी है और ये सिस्टम सी है और ये सिस्टम ए है, अगर कोई दो सिस्टम जैसे मान लो कि सिस्टम बी और ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब है कि टेम्परेचर, सिस्टम बी का टेम्परेचर और सिस्टम ए का टेम्परेचर सेम है, दैट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, क्या मैं बोला कि सिस्टम बी एंड सी आर इन इंडिविजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम ए, तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या ये बोलना चाहता है कि सिस्टम बी एंड सिस्टम सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसको बना लीजिए और उसके बाद स्टेटमेंट लिख लीजिए। यहाँ पर क्या मैं बोला कि इफ टू सिस्टम, कौन कौन सा, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम ए इंडिविजुअली देन सिस्टम बी एंड सी
आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। सिस्टम बी और सी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। चलो तो ये जीरोथ लॉ था, ये भी समझ में आ गया होगा। उसके आगे बढ़ते हैं, दैट वन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये क्या है, इसको लिख लें, इट इज ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड इन फॉलोइंग वेज। कैसे 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 हम लोग इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं, इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप सिस्टम के ऊपर काम करो, और सिस्टम अगर काम करे, दूसरा हीट तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये एक इकलौता फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये ध्यान रखना है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन कराता हूं, देखिए इस फॉर्मूला को यूज करने वक्त आपको यूनिट का ध्यान रखना है, हर एक क्वांटिटीज का यूनिट सेम रहना है। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, मैं अगर इसको जूल में रख रहे हो तो इसको भी जूल में रखोगे, इसको भी जूल में रखोगे, अगर इसको किलो जूल में है तो ये भी किलो जूल, ये भी किलो जूल, अगर ये कैलोरी तो ये भी कैलोरी, ये भी कैलोरी। ऐसा नहीं कि ये जूल में रहेगा और ये किलो जूल में रहेगा, फिर उस समय गलत आंसर आएगा आपको। तो लिखिए स्पार्ट्स फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार एंड द हीट absorbed by the system is, let it be 800 kilojoule. Find change in internal energy. Find change in internal energy. चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसको।
देखो इस क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है, पहले डाटा लिखे। इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है दैट वन इज 10 लीटर, एक पिस्टन है जो कि 5 लीटर से 10 लीटर उसका एक्सपेंशन हो रहा है और किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए ये पिस्टन है, ये पिस्टन आपका क्या कर रहा है, अभी इनिशियली ये 5 लीटर वॉल्यूम है ये V1, बट इसका एक्सपेंशन हो रहा है और ये जो फाइनल वॉल्यूम आपको दिखा रहा है दे रहा है दैट वन इज 10 लीटर, और किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 bar। ओके, तो आप क्या करें, सबसे पहले आप वर्क डन निकाल ले। यहां पर देख रहे हो क्वेश्चंस में डायरेक्टली लिख दिया कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बताया हूं माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल का वैल्यू देखो दिया हुआ है 2 bar, डेल्टा वी का वैल्यू भी दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम 10 है, इनिशियल वॉल्यूम 5 है, ये कितना आ जाएगा -10, यूनिट क्या होगा एटीएम, यूनिट क्या होगा 12 लीटर। चलो अब इसको क्या करें, देखो यहां पर ये जो हीट दिया हुआ है ना किलो जूल में दिया हुआ है, तो आप इसको भी किलो जूल में बदल ले। कैसे बदलोगे, अभी तुरंत कन्वर्जेंस बताया हूं, आप क्या करोगे इसको अगर जूल में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किलो ये जूल हुआ किलो जूल में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, ये किलो जूल में कन्वर्जेंस हो गया, ये क्या आ गया -1 किलो जूल आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट वन इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्वेश्चंस में बोल दिया है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 800 किलो जूल, ये जो क्यू का वैल्यू है क्वेश्चंस में दे रखा है प्लस 800, अपने वर्क डन का भी वैल्यू ये किलो जूल है, यहां पर वर्क डन का भी वैल्यू अपने किलो जूल में निकाल चुका है, तो डेल्टा यू देखिए निकल गया ना, डेल्टा यू का वैल्यू क्या आ गया दैट इज 799 किलो जूल आ गया। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए आपको समझ में आ गया होगा। ओके यस सर, उसके बाद अगला क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट वन इज अगला थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट वन इज इंथाल्पी, इंथाल्पी जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, ये जो इंथाल्पी से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।